सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो उस परिवार के साथ मौजूद हैं जिस परिवार की गलती सिर्फ इतनी है कि वो एक मंत्री के परिजन हैं। वीरेश जी, सवाल सीधा सा ये है कि समाजवाद कुछ सीट जीतते ही बहक क्यों जाता है, सत्ता पचती नहीं है क्या इन लोगों से? देखिए, राजनीति उपेंद्र तिवारी करें, राजनीति अंबिका चौधरी करें, राजनीति नारद राय करें, लेकिन इस 90 साल की मां का दोष क्या है? सवाल एबीपी गंगा पूछना चाहता है कि उपेंद्र तिवारी की इस 90 साल की रोती बिलखती मां का दोष क्या है? इसका जवाब अखिलेश यादव को देना चाहिए, मुलायम सिंह यादव को देना चाहिए। आखिर इस बुजुर्ग 90 साल की मां का दोष क्या है? दोष यही है कि उसका बेटा राजनीति करता है, राजनीति किसी भी पार्टी से की जाए। लेकिन ये जो दृश्य है, ये जो कारुण दृश्य है, ये जो बिलखती हुई मां है, इसकी आंसुओं की कीमत क्या है? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, अवनीश अवस्थी, विपिन तांडा, जिलाधिकारी बलिया और जिलाध्यक्ष बलिया जो समाजवादी पार्टी के हैं, प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इन आंसुओं की कीमत क्या होनी चाहिए? क्या दोष है? ये सवाल एबीपी गंगा पूछता है। साथ ही इस मासूम बच्ची का क्या दोष है? 9 साल की उपेंद्र तिवारी की इस मासूम बच्ची का क्या दोष है? दूसरी एक 11 साल की बेटी का क्या दोष है? और दीपिका तिवारी जो पत्नी है उपेंद्र तिवारी, उनका क्या दोष है? सवाल यह है एबीपी गंगा का। बलिया के दर्शक अगर देख रहे होंगे, एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे होंगे, तो आखिर इन आंसुओं की क्या कीमत है? क्यों रुलाया गया? क्यों इस तरह की बदतमीजी, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया? बहु बेटी मां को पेश करने की बात की गई, सड़क पर लाने की बात की गई, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद इस तरह की भाषा क्यों प्रयोग की गई? दीपिका तिवारी की आंखों के आंसू जो निकल रहे हैं, जो 90 साल की बूढ़ी मां की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसका जवाब अखिलेश यादव को देना होगा, मुलायम सिंह यादव को देना होगा, अंबिका चौधरी, नारद राय को देना होगा। आखिर किस भाषा, किस शैली, किस मर्यादा का प्रयोग किया गया इन जो मासूम लोग हैं? क्या राजनीति करना कोई गुनाह की बात है? मंत्री बनना कोई गुनाह की बात है? अगर इन दोषियों का क्या, इन लोगों का क्या दोष है? क्यों इस तरह के उपद्रव किए गए, इस तरह की बातें की गई? उनकी बूढ़ी माँ से ही जानने की कोशिश करता हूँ, हालांकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, वो बहुत देर से रो रही हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ, उससे पहले से वो रो रही थी, तभी मैंने ये तय किया कि एबीपी गंगा के दर्शकों को उपेंद्र तिवारी के घर की वो सारी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। दर्शक फैसला तय करेंगे, दर्शक ये तय करेंगे, दर्शक ये न्याय करेंगे कि राजनीति में इन बुजुर्ग महिलाओं, इन मासूम बच्चियों, इन महिलाओं का क्या है दोष? बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि आज नवनवे बजे के बनी उल्टा सीधे बात क्यों करना बोल लिया हमारे कर... उनके शर्म नहीं खेला को जन जानकारी दिल बड़े से उनके लाज नहीं खेला होता हमारे के 90 साल के हमारे नातिन के हमारे पुतो के भरल बड़े से उनके माँ बेटी नहीं खे वहीं के माँ बेटी नहीं खे वहीं के कौन बुद्धि बा ये बुद्धि बा वहीं के तो जेल में वहीं के तो फांसी के सजाई हो जाए के थे जौन भाषा बोल बड़े सके हमारे काट करके धैले बनी मोबाइल पर ले जाके उनके देखा देते उनके मूढ़ी धरती में गड़ा जाए। हाँ, हमारा बेटा के करने हमारे गति हमारे मेरे पतोही के गति हमारे बेटी के गति होता हमारे बेटा का दस कैले बा केने के चुनाव लड़त हमारे बेटा लड़ल बा तो में तो हमारे लड़का के दोस्त कौन बा सब तो लड़ते बा अपने अपने गति लोग का माई बहन नहीं है का तन अपने माई बहन के सोच ली तो लो जही तो ऐ तेरे तेरे भाषा में बोल ना लो तन की शर्म ना लगल है ई बतिया कढ़ाओ तो लाजो ना लगत रहला चिरुआ भर पानी में डूब मरित लोग गंगा जी ना मिलती तो चिरुआ भर पानी मिल जाए तो मैं डूब मरित लोग कि भाषा जन कढ़ल बोलो तुम तो शर्म नहीं खेल तो लाजो नहीं खेल जो भाषा कढ़ल बोलो
आज ले हम उल्टा सीधा के एगो के हमरे के शब्द बोले होई तो के उलट के जवाब हम नहीं खीतले। 90 साल के बूढ़ के हमरे के होई हाल हो गई, हमारे मां परिवार के हाल हो गई। हमने के तो लखनऊ बने जा, हमने के तो बलियो ने की जा, हमने के ही हाल कर लोग गई। एमे के हो देख निहार को निहार सुन निहार बोल निहार ने के केहु के माई बेटी ने के कहा हमने के खाली बनी जा। बिल्कुल वीरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर आ रही है बलिया कांड को लेकर। ये बड़ा अपडेट है, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पीड़ित परिवार इस वक्त एबीपी गंगा के साथ है और एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। लेकिन सवाल ये है कि हरकत में देरी क्यों? सपा कार्यकर्ताओं की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ था और मंत्री उपेंद्र तिवारी की माँ, पत्नी और बेटियों को सड़क पर पेश करने के नारे लगे। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि बलिया कांड में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सवाल अखिलेश यादव को देना होगा, जो बात बात पर नैतिकता की दुहाई देते हैं, कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, बात का जवाब उन लोगों को देना होगा जो खदेड़ा होबे ट्रेंड चलाते हैं। सवाल सीधा सा है कि आखिर ये गुंडागर्दी वाला डीएनए क्यों नहीं खत्म हो रहा है? और अगर राजनैतिक अदावत है तो उस राजनैतिक अदावत के बीच परिवार को क्यों घसीटा जा रहा है? बलिया कांड में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। एक बार फिर से परिवार का रुख करते हैं, क्योंकि जो परिवार ने झेला है, जिस तरीके की बदसलूकी बदतमीजी हुई है, उनसे बेहतर कोई दर्द बता नहीं सकता। सीधे रुख करते हैं। जोगी जी के मुँह पंद्रह तिवारी के माई है तो जोगी जी के माई है, अलखो के माई है, अखिलेशो के माई है, सब कर हम मातारी है, याजी है, मातारी याजी के है गति के का मातारी बेटी नहीं के कि हमने के अड़की में बानी जा कि हमने के ही भाषा बोलो तर सो हमने के लड़का नतिया पुतो ऐसा भाषा बोलिए सब तो सही है सो तन के उनके शर्म निखे बोले में लाज निखे। दीपिका जी, जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया गया और आपकी बच्ची बूढ़ी सास 90 साल की आपके लिए परिवार के लिए बोला गया, उस अमर्यादित भाषा पे क्या है? बहुत ही असहनीय है, बहुत असहनीय भाषा का उपयोग किया गया मेरी 90 साल की सास के लिए, मेरी 9 साल की बेटी के लिए, कि 11 साल की बेटी के लिए। ये बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई है। मैं अंबिका चौधरी जी से, नारद राय जी से, मैं अखिलेश सिंह यादव जी से पूछना चाहती हूँ कि इन बच्चों का क्या दोष है, ये बूढ़ी माँ का क्या दोष है? मेरे पति राजनीति में है, वो समाज की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा करने का इतना भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था हम लोगों ने। ये अधिका होता है, अब एथी से बाहर होता, जिला से बाहर होता, अधिका होता, सब चुनाव लड़ता, केकर माई बहन के बेटी के ही गति होता, कि उपेंद्र तिवारी के माई के बहन के मेहरा के ही गति होता। तन को लजनी में नाच नहीं के जे तरे तरे भाषा बोल तरे से। पहले से ही बहुत हताश है, बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। बड़ी बेटी तो इतनी सहमी हुई है कि वो आने तक को भी तैयार नहीं है। बच्चे बहुत सहमे हुए हैं, बहुत डर गए हैं। कल से परसों से न्यूज़ चल रही है और बच्चे देख देख करके न्यूज़ एकदम परेशान हो गए हैं। बच्चों से कृपया कुछ ना पूछा जाए। क्या किस रूप में, जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ भाषा का प्रयोग किया गया, क्या कहेंगे आप? मतलब क्या मांग है आपकी अखिलेश यादव से, मुलायम यादव से, क्या कहेंगे? योगी यादव की भी दो बेटियाँ हैं, मेरी ही बेटियों के स्कूल में पढ़ती हैं, उनकी दोनों बेटियाँ, मेरी दोनों बेटियाँ एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। कृपया
वो इतना तो ध्यान रखे, अपने बच्चों के जगह मेरे बच्चों को रख करके एक बार सोचे इस पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए।